हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं अगेन आप लोगों के साथ एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शुगर के बहुत ज्यादा जिनको क्रेविंग होती है, यानी कि वो सिर्फ इस वजह से अपना वेट लॉस नहीं कर पाते क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ कि आप मीठा खाते हुए भी अपना वेट लॉस बहुत हेल्दी वे में करें और ये आपके क्रेविंग को पूरी तरह से शांत करेगा, साथ ही साथ बहुत सारा आपको जो है न्यूट्रिशन देगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन देगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसे लोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी और गर्मियां हैं तो जो है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर भी देगी और मतलब इसलिए बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से मीठे को खाते हुए आप अपने वेट को बहुत हेल्दी वे में लॉस करेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 4 ऑरेंज यानी कि संतरे और जिसका जूस जो ऑलरेडी मैंने निकाल के रख लिया है ये एक बड़े कप से थोड़ा सा कम है और आपको इसे एक बाउल में लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लोर लेना है 100%। मैंने यहाँ पे वेजिटेरियन वाला लिया है और 2 टेबल स्पून आपको इसमें ऐड कर देना है। क्या है, आपको इसमें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप जेलेटिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो वेजिटेरियन मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, वो इजी होके मिल जाता है। उसके बाद इस तरह की रबड़ वाली मैं ट्रे ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लास में ऑयल लगा के उसमें सेट करके रख सकते हैं, देन उसके पीसेस काट के उसमें आइसक्रीम स्टिक लगा के आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों कोई भी इसे खा सकता है, हेल्दी कैंडीज हैं। और इसके बाद आपको इसे लो फ्लेम पे तब तक इसे करना है बॉयल जब तक ये थिक ना हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें ट्विस्ट करने वाली हूँ यानी कि इसे और भी हेल्दी बनाने वाली हूँ। इसमें मैं डालूंगी ढेर सारे अलमंड्स जिन्हें मैंने रोस्ट अगर आप कर रही है तो कर लीजिए, वरना विदाउट रोस्ट भी मैं उसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। पहले तो मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए, तो इतने मैं जो है इसमें डालने वाली हूँ। उसे मैंने पीस लिया है, देन इसमें डाल के फिर इसे तब तक इस पेस्ट को मैं पकाऊँगी जब तक ये एक थिक लेयर में ना हो जाए, और थिक इसलिए भी चाहिए ताकि ये जम जाए। और अब इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो, वैसे तो जो मैंने ऑरेंजेस लिए हैं वो काफ़ी मीठे हैं, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो इतने में अगर आप 1/2 टेबल या 1 टेबल स्पून शुगर मिला लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। या फिर स्टीविया लीव्स को भी आप वाटर इसमें मिला सकते हैं या फिर शुगर फ्री भी मिला सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो, वरना ये इतनी मीठी ऐसे ही हो जाएंगी कि आपको खाने में बहुत मज़ा आने वाली है। हेल्दी कैंडीज़ बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बूढ़ों को खिलाइए, फ्री होके आप खाइए। जो आपको इवनिंग में थोड़ा सा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, मॉर्निंग में मीठा खाने की क्रेविंग होती है या खाने के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उसको पूरी तरह से शांत करेगा। और हिलाते रहिए थोड़ी देर जिससे कि बिल्कुल भी ये जमे नहीं, वरना कॉर्नफ्लोर आप सब जानते हैं कि बहुत तेज़ी से जमता है बर्तन में। और अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाने वाली हूँ, यानी कि देखूँगी, चेक करूँगी कि ये हो गया है कि नहीं। जब एक इसकी जो है वो गिरने लगे देन वो हो गया। इसके बाद स्पून की हेल्प से मैं अच्छे से सारे इसमें भर दूंगी और फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में आपको इसे 6 to 7 hours लगाना है। और 6 to 7 hours लगाने के बाद ये पूरी तरह से बन जाएगा। देन कोई भी आए आपके घर में, क्योंकि आजकल हर कोई डाइट पे रहता है, हर कोई वेट लॉस करना चाहता है, और अगर आप उसे अपने प्लेट में सजा के देंगे और आप बोलेंगे कि आप इसे जीभर खाइए, मीठा है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, तो वो आप खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहेगा और वो फ्री होके खाएगा। और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर जानने की कोशिश करेगा, देन आप उसको मेरा जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी है और इसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी कि इस तरह से इसे निकाल के आपको सर्व करना है। तो ये जो आपकी हेल्दी कैंडीज़ हैं वो रेडी हैं, देन उसके बाद आफ्टर फ्री तो अब आपको क्या करना है, अब मतलब फ्रिज में आपने फ्रीज़र में रख दिया है, फ्रिज में 3-4 घंटे बाद निकालिए और इस तरह से ये निकलेगा और देखने में जितना सुंदर है खाने में उससे ज़्यादा भी टेस्टी होने वाला है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो, वैसे तो जो मैंने संतरे चूज़ किए हैं वो मीठे ही किए हैं, लेकिन अगर आप फिर भी खाते हो तो आप 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर सकते हो या फिर शुगर फ्री ऐड कर सकते हो। और इस तरह से आप फ्री होके इसे खाइए और ग्लास में भी आप इसे रखिए और जमा दीजिए, देन उसके बाद निकाल के आप उसे उसके भी पीसेस कट करके
उसमें जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती हैं वो लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी जो स्वीट्स हैं वो रेडी हैं। आप इसे वेट लॉस स्वीट्स भी बोल सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी, हेल्दी, और इस तरह से अगर आप किसी को प्रेजेंट करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और आजकल आप देखते होंगे हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसे दीजिए और उसका भी दिल जीतिए, आप भी खाइए। सच में बहुत मज़ा आने वाली है खाने में, और बेफिक्र होके खाइए और ये सोचिए खाइए कि वाकई में हेल्दी कैंडीज हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा इस रेसिपी को बनाना कितना आसान है और बहुत ही सस्ती है। मैंने इसमें जेलेटिन इसलिए नहीं यूज़ किया बिकॉज मुझे वो वेजिटेरियन वाली नहीं मिल रही थी, नॉन वेजिटेरियन वाली मिल रही थी, इसीलिए मैंने इसमें ये यूज़ किया। और इसमें भी बहुत सारा पोटेशियम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं करेंगी, एक लिमिट क्वांटिटी में। अगर आप ज़्यादा किसी भी चीज़ को लोगे तो वो आपकी बॉडी को हार्म पहुँचाएगी, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप इसे लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपने इतना बना लिया तो मान के चलिए 15-20 दिन आपका ये इजी हो के आप अपनी क्रेविंग को पूरी तरह से कूल डाउन रख सकते हैं और वेट भी बहुत हेल्दी वे में लॉस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी शुगर पेशेंट है वो भी इसे एक लेस अमाउंट में ले सकते हैं, यानी मॉर्निंग में ये में इसे फ्री होके वो ले सकते हैं, बिल्कुल भी आपका जो है वो वेट गेन नहीं होगा। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।